बनाने जा रहे हैं पानी वाली फुल्की। ये फुल्की आपने ना तो कभी पहले देखी होगी और ना सुनी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी होती है। घर में सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अब की बार होली आ रही है, होली पे आप इसको ट्राई कीजिए और अपने आने वाले मेहमानों को खिलाइए, वो भी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। पानी वाली फुल्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में हम आधा कटोरी करीब बेसन, ये 50 ग्राम करीब बेसन है, और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच करीब नमक, 2 चुटकी करीब लाल मिर्च और 2 चुटकी करीब हल्दी। हल्दी से जो है इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक बैटर बना लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए अच्छे से। पानी सारा इकट्ठा नहीं डालना है एकदम से, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और याद रखिए, पहले ही जब आपने बेसन लिया था, बेसन को हमने अच्छे से छान लिया था, तो आप भी अगर बनाएं तो बेसन को इसको अच्छे से छान लें। इसको आप विस्कर से, चम्मच से, हाथ से, किसी से भी अच्छे से फेंट लीजिए। और इसको हमें खूब अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें जो है एयर अंदर तक भर जाए और हमारी जो हम फुल्कियाँ बना रहे हैं वो अच्छी खासी फूली फूली बने। आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोडे का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें 2 चुटकी करीब बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे बिना बेकिंग सोडे के बनाएंगे, तो हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। और याद रखिए, एक ही अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है ताकि इसमें हवा भरे। अगर आप एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में इसको कर देंगे तो इसमें हवा जो है अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। हमारा बेसन जो अच्छे से फिट गया है, हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसको चेक करने के लिए कटोरी में पानी लेकर इसमें बेसन की एक ड्रॉप गिराकर चेक कर लेंगे। अगर ये ड्रॉप ऊपर आ जाती है तो हमारा बेसन अच्छे से फिट गया है और हम इसकी पकौड़ियाँ फूली फूली बनेंगी। हम इसको साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और जब तक इसके लिए बढ़िया चटपटा पानी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी फुल्कियों के लिए चटपटा और मस्त पानी। उसके लिए हमने बाउल में पानी ले लिया है। पानी में हम 2 चम्मच करीब हरी चटनी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला, अगर आपके पास हो तो ऐड कीजिए, वरना चटनी में तो हमने सब कुछ डाला ही था पहले। चटनी जो है हरी, वो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है आसानी से। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं 1.5 चम्मच करीब सौंठ, और ये बिल्कुल मस्त लगेगा आपको। गोलगप्पे का पानी जैसे आप बाहर मार्केट में लेते हैं ना, उससे भी बढ़िया एकदम चटपटा पानी बनेगा ये। इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ अनार के दाने और ये है हरा धनिया और पुदीना, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी हम डाल देंगे प्याज के छल्ले जो हमने काट के रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना एकदम चटपटा पानी। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से केले। और अब हम बनाने जाते हैं अपनी नरमा नरम गर्मा गर्म फुल्कियाँ। फुल्कियों को तलने के लिए गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर रख दिया है और मीडियम फ्लेम पे तेल जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इनको सेकना स्टार्ट करते हैं। और याद रखिए, इनको सेकने से पहले बेसन को एक बार और अच्छे से फेंट लें ताकि हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट ही बने। और इनको हम छोटा छोटा सा गैस पर पकौड़ियों की तरह बना लेंगे। आप इनका साइज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन अगर ये छोटी छोटी होंगी तो ये ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मीडियम फ्लेम पर अच्छे से तल लेंगे गोल्डन होने तक। देखिए कितनी फूली फूली और कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बनी हुई है। हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो सिककर रेडी हैं। और अब हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। लेकिन इनको हमें ऐसे ही नहीं निकालना है, इनको निकालने से पहले एक बाउल में पानी ले लें और डायरेक्ट उस पानी के अंदर इनको निकाल लें। तो हमने एक बाउल में पानी ले लिया है और अब हम सीधा इसमें
इसको निकालेंगे ताकि ये जो फुलकियाँ हैं पानी में थोड़ी देर के लिए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पैच को हमने पानी में निकाल लिया है, जब तक वो थोड़ी ठंडी और सॉफ्ट हो रही है तब तक हम इसी तरह से दूसरे पैच बना लेते हैं। हमारी पकौड़ियाँ जो हैं वो सिक कर रेडी हैं, इनको हमने पानी में ठंडा कर लिया है, अब हमें इसमें इसको डाल देंगे और तैयार है हमारी फूली फूली पानी वाली फुलकियाँ। इनको आप खा के देखिए, ये गोलगप्पे से भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और इनका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा होता है। तैयार है हमारी पानी वाली फुल्की, इसको ट्राई करके देखें आप। बाज़ार के जो गोलगप्पे चाट है उन सबको भूल जाएंगे, घर में बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में ये इजीली तैयार हो जाती है। और होली आने वाली है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें।